बिहार राज्य में हर साल बीपीएससी परीक्षा का आयोजन होता है, जिसमें हजारों उम्मीदवार हिस्सा लेते हैं, पर कई उम्मीदवार बीपीएससी की महंगी कोचिंग के चलते परीक्षा में शामिल नहीं होते, क्योंकि उनका मानना है कि परीक्षा में सफलता केवल कोचिंग पढ़ने वाले उम्मीदवारों को ही मिल सकती है। लेकिन हर साल कई ऐसे उम्मीदवार भी सामने आते हैं जो बिना किसी कोचिंग के न सिर्फ परीक्षा में हिस्सा लेते हैं बल्कि उसमें अच्छी रैंक भी हासिल करते हैं। आज के वीडियो में हम आपके लिए एक ऐसे ही उम्मीदवार की सफलता की कहानी लेकर आए हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो। बिहार के अरवल जिले के कुर्था बाजार में पले बड़े अमृत्य के पिता उमेश ठाकुर टैगोर अकेडमी नाम के एक निजी स्कूल चलाते हैं। वहीं उनकी माँ सीता देवी एक गृहिणी है। पिता के इसी प्राइवेट स्कूल में अमृत्य ने अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की, जिसके बाद उन्होंने कुर्था के राम रतन उच्च विद्यालय से अपनी 10वीं की परीक्षा पास की। इसके बाद उन्होंने शहीद जगदेव स्मारक महाविद्यालय कुर्था से इंटर किया। अपनी मैट्रिक की परीक्षा में अमृत्य ने अपने जिले में टॉप किया था। अमृत्य बचपन से ही देश और अपने राज्य के लिए कुछ करना चाहते थे, लेकिन परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक ना होने के चलते अमृत्य ने एयरफोर्स में जाने का मन बनाया। भावों की कमी के चलते उन्होंने किसी कोचिंग का सहारा नहीं लिया और घर से ही परीक्षा की तैयारी की और इसमें सफलता भी पाई। 9.5 साल तक अमृत्य ने एयरफोर्स की नौकरी कर अपने परिवार की माली हालत को ठीक किया, लेकिन इस दौरान भी वे रुके नहीं और अपनी स्टडी जारी रखी। इसके बाद साल 2016 में उन्होंने अपनी सेना की नौकरी छोड़ने का फैसला लिया और बैंक पीओ के पद के लिए परीक्षा दी, जिसमें उनका चयन हो गया और उन्हें बैंक पीओ का पद मिल गया। लेकिन वे अभी भी खुश नहीं थे, ये नौकरी भी उन्हें रास नहीं आ रही थी। करीब 10 महीने में ही उन्होंने नौकरी को छोड़ने का फैसला किया और अपने बीपीएससी के सपने को पूरा करने के लिए दिल्ली चले गए। दिल्ली आने के बाद वे सिविल सर्विसेज की तैयारी में जुट गए, जिसमें उनको सफलता भी मिली और बीपीएससी के 63वीं परीक्षा में उनका चयन हो गया, जिसमें उन्हें वाणिज्य कर विभाग मिला। लेकिन इसके बाद भी वे रुके नहीं, उन्होंने बीपीएससी 66वीं परीक्षा में हिस्सा लेने का मन बनाया और तैयारी शुरू कर दी। इसमें उन्हें सफलता मिली और वो आखिरकार एसडीएम बनने में भी सफल रहे। अमृत्य कुमार आदर्श के जज्बे के आगे गरीबी भी आड़े नहीं आई। अभावों के बावजूद भी अपने पिता और भाई की प्रेरणा से वे आगे बढ़ते गए। संसाधनों की कमी भी उनकी सफलता पाने के जुनून को रोक नहीं पाई। ग्रामीण परिवेश में पले बड़े इस प्रतिभावान शख्स ने अपनी इस कामयाबी का श्रेय अपने माता पिता और भाइयों को दिया। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और अगर आपके पास हमारे लिए कोई भी सवाल हो तो उसे कमेंट में लिख के हमें जरूर बताएं। जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो पे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।